नमस्कार, एस्ट्रोबेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रोबेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पामिस्ट्री में मैरिज लाइन के ऊपर, विवाह रेखा के ऊपर। ये रेखा अगर रहती है और इस पर अगर कोई विशेष चिन्ह है या फिर इसका कहीं झुकाव है, किस साइड झुकाव या कोई अन्य रेखा अगर इस पर आकर मिलती है तो उसका क्या महत्व है और आपके वैवाहिक जीवन पर इस पर क्या असर पड़ता है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विवाह रेखा किस जगह पर है, मतलब हृदय रेखा से कितनी दूरी पे है, ये भी आपको विवाह का उम्र डिसाइड करने में मदद करता है। तो आज हम लोग ये भी देखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं संजीव गुप्ता जी से। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैरिज लाइन के ऊपर कि मैरिज में जो कुछ अगर प्रॉब्लम आती है या मैरिटल लाइफ कैसा रहता है या कुछ कोर्ट केस है या ऐसा वैसा, तो कुछ उस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि मतलब कैसे, मतलब मैरिज के बारे में डिटेल में जानेंगे कि वो लाइन क्या क्या बताती है। जी, विवाह रेखा नाम से जानी जाने वाली रेखा है, विवाह रेखा उसको बोलते हैं कि विवाह के संबंध में बताती है। ये रेखा बुध क्षेत्र पर होती है जी। जो हमारी बुध की उंगली उसके साइड में रहती है। वैसे तो ये रेखाएं विवाह रेखा प्रेम संबंधी और धर्म मर्यादा को मानते हुए जब विवाह किया जाता है तो उससे संबंधित ये रेखा होती है। अच्छा। और इससे, इस रेखा से हम प्रेम के बारे में या जो हमारे अपोजिट सेक्स हैं उनसे हमारा कैसा अटैचमेंट है या उनके बारे में हमारी क्या सोच है, ये सारी चीजें हमको इससे हम लोग पता करते हैं। तो इसमें मैंने पहली जो लाइन दिखाई है, तो इसमें पहली लाइन ये है कि जब कोई रेखा सारे हाथ को काटते हुए विवाह रेखा तक स्पर्श करती है, जैसे ये लाइन चंद्र क्षेत्र से निकली और ऊपर तक ये निकल गई और इसने विवाह रेखा को, मैरिज लाइन को कट कर दिया। जी जी जी। तो जो अगर इस तरह से ये रेखा कट कर देती विवाह रेखा को तो विवाह टूट जाए, टूटने की संभावना होती है कि विवाह टूट सकता है। अच्छा। तो ये सफल जो सक्सेस मैरिज लाइफ है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। और इसमें दूसरा मैंने दिखाना चाहूंगा कि जैसे एक विवाह रेखा और स्पष्ट विवाह रेखा होती है जैसे मैंने इसमें दिखाई है, तो ये बहुत ही अच्छी विवाह रेखा मानी जाती है और ऐसे संबंध जो है काफी सफल रहते हैं, सक्सेसफुल मैरिज जो होती है सक्सेसफुल रहती है। अगर एक लाइन है केवल। अच्छा जी। और इसमें अगला मैं दिखाना चाहूंगा कि विवाह रेखा के ऊपरी भाग में अगर एक एक्स्ट्रा ब्रांच है, जैसे इसमें ये विवाह रेखा है, इसमें एक ब्रांच ऊपर की ओर निकली हुई है, छोटी सी है लेकिन ऊपर निकली हुई है, तो ऐसे जो मैरिज रिलेशन होंगे, जो मैरिज होंगे उनमें पति पत्नी में वैचारिक मतभेद होंगे, आपस में जो उनके अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी नहीं होगी। अच्छा जी जी। एक ब्रांच ऊपर की ओर निकली है या नीचे की ओर निकली है, एक ब्रांच है अगर, तो अच्छा ऐसे दोनों में तारतम्यता अच्छी नहीं रहेगी, दोनों में अंडरस्टैंडिंग या अच्छा मेल मिलाप नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उनमें इशू रहेंगे, बातचीत का प्रॉब्लम होगी, ईगो हो सकता है दोनों के अंदर या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। तो ये मतलब विवाह रेखा के अंत में ऐसा ब्रांचेज है। हाँ, अंत में जी, अंत में ये जैसे ये विवाह रेखा इसके अंत में ये ऊपर मुड़ गई या नीचे मुड़ गई, इस तरह से ब्रांच अगर होगी तो ब्रांच अच्छी नहीं, अच्छा नहीं माना जाता मैरिज लाइन में जी। और इसके बाद अगला है कि अगर विवाह रेखा इस तरह से ये ऊपर की ओर मुड़ जाए, अच्छा, तो ये भी ऐसे लोग जो होंगे ये तो या तो अविवाहित होंगे या उनका विवाह संबंध, वैवाहिक संबंध जो है मतभेद हो जाएंगे या उनका टूटने की संभावना में रहती है, इस तरह से ऊपर की ओर मुड़ जाए, तो मतलब स्ट्रेट जाके अब ऊपर की तरफ मुड़ जाए या फिर ऊपर की तरफ ही इंक्लाइन या ऊपर झुक, हाँ, या ऊपर की ओर इंक्लिनेशन हो ऊपर की ओर। अच्छा। तो ऐसे विवाह, ऐसे लोग विवाह के पक्ष में नहीं रहते हैं, वो विवाह एक तो करेंगे नहीं अगर वो अविवाहित रहने की, उनकी कुंवारे रहने की उनकी संभावना ज्यादा रहती है। अच्छा अच्छा। और अगर करेंगे भी तो फिर वो अपने वैवाहिक संबंधों से अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे या उसे अटैच नहीं रहेंगे, ना प्रेम नहीं रहेगा, ना प्यार नहीं रहेगा। जैसे
होती हैं। कभी कभी मैंने देखा कि एक से ज्यादा विवाह रेखाएं होती हैं मैरिज लाइन से, ये एक एक बड़ी लाइन है, उसके बाद में छोटी छोटी मैरिज लाइन्स, ये कई मैरिज लाइन्स दिखती हैं। तो ऐसा जैसे काफी लोग इसको ये प्रिडिक्शन करते हैं कि कई दो विवाह होंगे या तीन विवाह होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें मैंने अपने अनुभव में पाया है कि ऐसे लोग किसी की मदद करते हैं, ऐसे लोगों के पैसे से कोई परिवार पलता है, या ऐसे लोग किसी और की मदद करते हैं, अपनी उनकी बहन हो सकती है या उनका कोई भाई हो सकता है, कोई ऐसा परिवार है जो उनके पैसों से पुष्टित होगा, पल्लवित होगा। अच्छा। तो ये नहीं जरूरी है कि ये ऐसा नहीं है कि उनका विवाह होगा, कई विवाह होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें जो विवाह रेखा हम इस लेते हैं गणना में, वो सबसे बड़ी और ऊपर की जो विवाह रेखा होगी। अच्छा। तो उसको हम उससे हम डिसाइड करते हैं कि इनका किस एज में विवाह होगा या कैसा वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, ये सारी चीजें हम वहां से डिसाइड करते हैं। और इसमें एक चीज और देखते हैं कि जैसे ये हृदय रेखा से विवाह रेखा की कितनी दूरी है, अगर इसके बीच में जैसे ये मैं हम लोग यहाँ से लेते हैं कि ये बुद्ध पर्वत है, बुद्ध पर्वत पर ये कितने भाग में, अगर बुद्ध पर्वत से के आधे भाग में है तो 25 साल में, और इससे नीचे है तो 23 साल में, और इससे नीचे है तो 20 साल में, 21 साल में विवाह होगा, और इससे ऊपर है, आधे से ऊपर है तो 26 साल, 27 साल, इस तरह से हम लोग ये गणना करते हैं कि हृदय रेखा से कितनी दूरी है विवाह रेखा की, वो हम लोग उसका टाइम जो विवाह का संबंध का जो है मैरिज का टाइम प्रेडिक्शन यहाँ से करते हैं हम लोग। अच्छा। कितनी दूरी है डिस्टेंस है ही, तो उसी तरह से ही बढ़ता जाता है समय। तो अगर ये आधी दूरी पर है तो करीब 24 से 25 साल की गणना में हम लोग लेते हैं, कि अगर ये यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ आधी डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस में करीब 25 साल के करीब हम लोग गणना करते हैं। अगर ऊपर है तो इस तरह से एक एक साल बढ़ता चला जाता है, 26, 27, 28, और ज्यादा ऊपर है तो फिर वो 30 या 32 साल में, इस तरह से हम लोग गणना करते हैं। लेकिन जैसे ये रेखा मैंने देखी है कि ये रेखा यहाँ पर है, तो ये ऐसे लोग किसी की मदद करते हैं, किसी की मदद करेंगे, उनके पैसे से कोई परिवार पुष्टित होगा। पुष्टित होगा, ओके। और इसके बाद में अगला है, जैसे ये मैंने दिखाया हुआ है कि चंद्र पर्वत से अगर कोई लाइन ऊपर की ओर जाती है, जैसे ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है, तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद होता है। अच्छा। जब वो विवाह हो जाएगा तो उनका भाग्योदय होगा और उनको तरक्की विवाह के बाद मिलेगी। अच्छा। क्योंकि चंद्र पर्वत से आई हुई है, चंद्र पर्वत से ऊपर जाती हुई लाइन ये दिखाती है उनका विवाह होगा, उसके बाद वो तो ये चंद्र पर्वत से जा करके विवाह रेखा को टच करना है या कैसे है? नहीं, टच नहीं करे, अगर ये ऊपर इंडिकेशन अगर विवाह रेखा की ओर देख भी रही है। अच्छा। तो इसका ये इंडिकेशन है कि ये ऐसे लोगों का विवाह होने के बाद इन्हें सक्सेस मिलेगी। अच्छा। और अगला है नेक्स्ट में, और अगर विवाह रेखा इतनी लंबी हो, जैसे ये विवाह रेखा बहुत ही लंबी है और इसने सूर्य रेखा को काट दिया है। अच्छा। सूर्य रेखा पार चली गई, तो अगर सूर्य रेखा को काट दे तो ऐसे व्यक्ति को विवाह से मान मर्यादा या सम्मान को धक्का लगेगा, इनको विवाह होने होगा तो, लेकिन उनको कुछ विवाह में प्रॉब्लम आएगी या उनको विवाह से कोई अपमान होगा उनका, या इस तरह से उनको विवाह उनका टूट सकता है, या संबंध होते समय कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिससे उनको मान मर्यादा में धक्का लगेगा या उनको मान मर्यादा कम हो। जी जी। तो ये अच्छा नहीं माना जाता, सूर्य रेखा को काटना नहीं चाहिए, इतनी लंबी सूर्य रेखा मैरिज लाइन नहीं होनी चाहिए कि सूर्य रेखा टच करे या उसको क्रॉस करे। और इसके बाद में अगला है कि विवाह रेखा के अंत में अगर क्रॉस है कोई, तो हम लोग ये बढ़ते हैं कि ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में अशुभ घटना होने का संकेत है। अशुभ घटना मतलब उनका मैरिज रिलेशन ठीक नहीं होगा, टूट सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, या उनके बीच में झगड़ा ज्यादा होगा, प्रॉब्लम्स आ सकती है। और इसमें अगर कोई आइसलैंड है या द्वीप है यहाँ पर लास्ट में, वो भी इसी का परेशानी का या तकलीफ है, विवाह संबंध तकलीफ है, दोनों में मन मुटाव रहेगा और लड़ाई झगड़ा आगे संबंध विच्छेद होने का संभावना रहता है। जी जी जी। और इसके बाद में अगला है कि विवाह रेखा अगर
मस्तिष्क रेखा को काटती हुई रुक जाए या मस्तिष्क रेखा को काटती हुई आगे निकल जाए, जैसे विवाह रेखा यहाँ से चली और ये नीचे आई और इसने ब्रेन लाइन को टच कर दिया और उसका अगर उसके आगे निकल जाए या टच ही कर जाए तो ऐसे लोगों का कोर्ट केस होकर संबंध विच्छेद हो जाएगा, कोर्ट केस होगा और उनका डाइवोर्स हो जाएगा या उनका संबंध विच्छेद हो जाएगा। अगर मेंटल ये मस्तिष्क हेडलाइन तक आ गई विवाह रेखा और उसने क्रॉस कर दिया हेडलाइन को या टच ही कर लिया तो ऐसे लोगों का डाइवोर्स होगा और कोर्ट केस होगा पहले, फिर कोर्ट केस के बाद डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये मैंने विवाह रेखाओं का एक संक्षिप्त विवरण दिया है और ये इसमें तो बहुत सारी और भी लाइन्स होती हैं तो पूरा प्रिडिक्शन करते हैं, तो ये भी मैंने छोटा सा ही शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया था जी। आज के लिए तो इतना ही। तो धन्यवाद संजीव जी, मतलब आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने जाना कि विवाह रेखा के झुकाव से या फिर विवाह रेखा क्या किस कौन से लाइन आ रही है उससे विवाह पे क्या असर पड़ता है, तो ये था। तो धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में विवाह रेखा पे डिटेल में फिर से और जानकारी के लिए, जैसे प्रेम मैरिज और लव मैरिज, अरेंज मैरिज, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो उन सब को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद। सो थैंक यू, ये था हमारा एनालिसिस विवाह रेखा के ऊपर। अगर आप पामिस्ट्री कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो ये बहुत ही इजी है, आप अपने पाम का पिक्स अपने फ़ोन या फिर किसी भी कैमरा से लीजिए और जो ईमेल आईडी डिस्प्ले हो रहा है नीचे या व्हाट्सएप नंबर उस पर आप भेज दीजिए, कंसल्टिंग फ़ी अप्लीकेबल है इसके लिए। अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आप न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, वो भी लिंक दिया गया है नीचे और डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो प्लीज़ विजिट माई वेबसाइट www.astrobasic.com। सो थैंक यू, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, और अगर आप फेसबुक पे लाइक नहीं किया तो वो भी लाइक कीजिए। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।